आप सभी लोगों को नमस्कार। हम वाराणसी के कलाकार भारतेंदु नाट्य अकेडमी द्वारा आयोजित इस साल जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस साल हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष में हम लोग एक छोटा सा आप लोग के पास एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है हमारा नुक्कड़ नाटक। तुम करो ना अपना। हमें बस थोड़ा जगह देती रहिएगा। ऑडियंस पीछे भी है इस बार। आज हम आपको मिलवा रहे हैं आजादी के उन नायकों से जिन्हें हमारी आज की पीढ़ी नहीं जानती। आज हम आपको मिलवा रहे हैं आजादी के उन नायकों से जिन्हें हमारी आज की पीढ़ी नहीं जानती। पूर्वांचल के हमारे नायक जिन्होंने आजादी की नींव रखी, आज हम उन नायकों का चरित्र चित्रण करेंगे जिससे आप हमारे पूर्वांचल के नायकों को जान सके और उन पर गर्व कर सके कि कैसे पूर्वांचल की इस धरती ने उन महान नायकों को जन्म दिया जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि को तैयार किया। लेकिन वो इतिहास के पन्ने में कहीं खो चुके हैं। अरे भाई, अरे इधर आओ, इधर इधर। अरे क्या हो रहा भैया? अरे आप लोगों को पता है क्या? अरे आज हमारी मैडम जी पूर्वांचल के नायकों के बारे में कुछ बताने वाली हैं। अच्छा, हाँ आओ चलकर देखते हैं। चलो भैया। वाह वाह वाह। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे
पूर्वांचल के नायकों के बारे में। किसके बारे में? पूर्वांचल के नायकों के बारे में। हाँ, और हम सबसे पहले जानेंगे चित्तू पांडे के बारे में। किसके बारे में? मैडम पढ़ा रही, दिख नहीं रहा? चित्तू पांडे बोल रही है, सुनाइए जरा, क्या ध्यान से पढ़ो। हाँ, चित्तू पांडे जिन्हें बलिया का शेर कहते हैं। बलिया का शेर? हाँ, बलिया का शेर। और ये भी कहते हैं कि उन्होंने भारत की आजादी के पूरे 5 साल पहले बलिया को अंग्रेजों से आजाद करवा लिया था। 5 साल पहले? आंदोलन चालू हो चुका था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह मेरे जीवन का एक मूल मंत्र है। और जब तक ये अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं चले जाते, मैं अपने लोगों के साथ ऐसे ही मिलकर जगह जगह आंदोलन करता रहूंगा। भारत माता की जय। 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 अरे आपको पता है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व तो है चित्तू पांडे का। पूर्वांचल की जनता उनके इशारे पर मर मिटने को तैयार रहती है। अच्छा? हाँ, आइए आइए, देखिए तो क्या मनपड़ा चल रही है। आइए चलिए देखते हैं। आजो आजो। और बताओ परमानंद, कैसे हो? अरे बहुत बेहतरीन है। सुना है बनारस से आजाद एक्सप्रेस चल रही है, वहाँ से आने वाले क्रांतिकारियों का जोश कैसा है? अरे जोश तो बहुत ही जबरदस्त है। और जानते हैं, अरे अभी कल ही पांडेपुर में हम लोग मिल के गुप्त मंत्रणा हुई। अच्छा, और अंग्रेजों का आक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। सही कह रहे हो, हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं व क्रांतिकारियों को सजा सुनाकर ये अंग्रेज सरकार न जाने उन्हें किस गुप्त स्थान पे भेज दे रही है। हाँ बिल्कुल सही, ये बड़े चिंता का विषय है चित्तू। हाँ बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, इसलिए हम सभी युवा जोश में हैं। हाँ, हाँ जोश में हैं। और चित्तू पांडे जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आप ही कुछ कर सकते हैं, मदद कीजिए। हाँ चित्तू, आपको अब कुछ करना ही होगा। सही कह रहे हैं। ये अंग्रेज सरकार कुछ ज्यादा ही जुल्म कर रही है, अब हमें कुछ करना ही होगा। हम आज ही बरैया थाना जाएंगे और वहां तिरंगा लहराएंगे। मैंने वहां के थानेदार से बात कर ली है, देखता हूं मुझे वहां जाने से कौन रोकता है। भारत माता के जय। भारत माता के जय। परमानंद क्या हुआ? अरे वो थानेदार ने धोखा दे दिया। क्या? हाँ धोखा दे दिया। हाँ, वहां का थानेदार उस शासकों से मिला हुआ था। वहां का थानेदार अंग्रेज शासकों के साथ मिलके हमारे साथ छल किया है। हाँ, जब हम अपने क्रांतिकारियों के साथ बरैया थाने पे तिरंगा लहराने को पहुंचे, से घेर लिया था। और दो उसने हमारे 19 क्रांतिकारियों पे गोलियां चलाए और चित्तू पांडे को खोते हुए
अंग्रेज शासक इधर ही आ रहे हैं। लेकिन हम डरेंगे नहीं, दीवार की तरह डटे रहेंगे। हाँ, डटे रहेंगे, हम डटे रहेंगे, हम उनका डटकर सामना करेंगे, डटकर सामना करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए अब हम पीछे नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे, नहीं डरते। ये क्या, अंग्रेज शासक की एक टुकड़ी चित्तू पांडे को गिरफ्तार करने के लिए इधर ही आ रही है। मगर चित्तू पांडे तो यहाँ है ही नहीं। चित्तू पांडे को यहाँ न देखकर अंग्रेजों ने गांव में आग लगानी शुरू कर दी। ये क्या, पूरे गांव में आग लगा दिया, गांव जलने लगा। अंग्रेजों ने हमारे बच्चों को मार, उन्होंने हमारे खेत खलियान को आग लगा, अंग्रेजों का जुल्म दिन पर दिन बढ़ता ही जा, चित्तू पांडे आप हमारी मदद की, मदद कीजिए चित्तू पांडे आप हमारी बच्चों का, हमारा, हम सब का ख्याल रखें, हमारे पास अब आपके अलावा कोई नहीं है, आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही हमें अब बचा सकते हैं। हाँ, मदद कीजिए। बहुत हो गया इन अंग्रेज सरकारों का जुल्म, हम मुझे इन मासूम गांव वाले को एकजुट करना ही होगा। परमानंद जी, तुम क्या कर सकते हो? मैं लकड़ी का काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे लकड़ी का हथियार बना के जल्द से जल्द दो। बिल्कुल कंचन, पूरे गांव वाले को एकजुट करो। जी शिवानंद जी, तुम क्या कर सकते हो? मैं लोहे का हथियार बना सकता हूँ, तुरंत चाहिए मुझे। बिल्कुल, और मैं भी नुकीले पत्थरों से औजार बखूबी बना लेता हूँ। अब मैं उन अंग्रेजों को सबक सिखा के ही रहूंगा। अब हमें दिखाना है कि हम वो गरीब गांव वाले नहीं हैं जो डर के रहे, हम एक सैनिक की तरह एकजुट होकर उन अंग्रेज सरकार के साथ लड़ेंगे। हाँ, हम अंग्रेजों की एक से एक बजा देंगे। पूर्वांचल का जब एक गरीब किसान सैनिक बनता है तो वो कुछ भी कर सकता है। हम उन अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा देंगे। हाँ, अब समय आ गया है एकजुट होने का। हाँ, समय आ गया है एकजुट होने का, और हम सब एक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चित्तू पांडे समस्त गांव वालों के साथ मिलकर अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया, और सन 1900